तो राधे राधे दोस्तों। दोस्तों हमारे पास आज ये तीन स्पीकर वूफर हैं, ये दोनों सब वूफर हैं और ये वूफर स्पीकर है। तो दोस्तों ये हमने परचेज किए थे लोकल मार्केट से ये दोनों, और ये हमने मंगाया था ऑनलाइन। अब हम आपको बताते हैं ये कितने कितने ओम के हैं, कितने वाट के हैं, क्या इनका प्राइस है और इनको कहाँ लगाना है। ठीक है दोस्तों, इनको कहाँ लगाना है, कहाँ ये बेस्ट रहेंगे और इनमें से सबसे बेस्ट कौन सा है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस सब वूफर की। तो ये सब वूफर जो हमें लोकल मार्केट से हमने लिया था, तो इसके वाटेज वगैरह ये सब घिसे हुए थे और लूज पैकिंग में ही था ये। तो ये मिला था हमें दोस्तों 250 रुपये का, ये सब वूफर दिया था स्पेशल में टावर में लगाने के लिए। ये हमें एक के टावर में रिप्लेस करना था, तो हम इसको लोकल मार्केट से लाए थे और स्पेशल में कहा दुकानदार ने कि टावर के लिए ये बेस्ट है, यही टावर में लगता है। तो ठीक है, दे दे भाई। तो 250 रुपये का ये हम लाए थे इसको, और जब हमने इसको ला के लगाया तो दोस्तों ये 2050 IC पे ये काम नहीं कर पाया, बिल्कुल भी इसकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। अगर हम इसकी ओम की बात करें तो क्या नाम है, हम इसकी ओम की बात करें तो आप मीटर पे देखिएगा, हम इसकी ओम की बात करें ये देखिएगा दोस्तों, दिख रहा है आपको, इसका कोई ठिकाना नहीं है। ये 10-12 ओम 10-12 ओम बता रहा है, 8 ओम का होना चाहिए था, ये 9 ओम पे पहुंच गया, ये 10 ओम पे पहुंच गया, इसके ओम ही फिक्स नहीं है। ठीक है, तो ये फिक्स चलेगा कैसे? तो इसकी क्वालिटी हमने इसको कई IC के साथ चला के देखा है, तो इसकी IC बिल्कुल भी, इसकी जो है बिल्कुल भी इसकी परफॉर्मेंस किसी भी के भी साथ मैच नहीं हो रही है। ठीक है दोस्तों, वैसे सही है, 90-17 मैग्नेट में है, लेकिन किसी भी बोर्ड के साथ ही मैच नहीं हुआ किसी भी टावर के अंदर। बहुत सारे टावरों में हमने इसको रिप्लेस करके देखा है। तो दोस्तों 250 रुपये में ये क्या आएगा, और लोकल मार्केट में ये मिलता है। दूसरे की बात करें हम इसकी, तो दोस्तों इसकी पैकिंग बहुत ज़बरदस्त आई थी और ये वूफर भी अच्छा है, ये लोकल मार्केट से हमने परचेज किया था। तो ये भी 8 इंच का है, और इसकी मैग्नेट की बात करें तो 135 की इसमें मैग्नेट लगी हुई है, बहुत हैवी बहुत भारी मैग्नेट है, और इसके वाटेज 200 से लेकर मैक्सिमम और नॉर्मल 100 वाट तक का ये वूफर स्पीकर है। ठीक है, ये थोड़ा मुझे इसका पेपर कोन वगैरह अच्छी नहीं लगी इसकी ये, और बाकी स्पाइडर के नीचे जो गुल्लू गिरी हुई है वो ऐसी फैला रखी है बहुत ज़्यादा, मतलब बनाने में कोई फिनिशिंग कोई ख़ास अच्छी नहीं है, लेकिन इसका परफॉर्मेंस ये टावर होम थिएटर में तो नहीं लगेगा, ना होम थिएटर में ना टावर में, इसकी परफॉर्मेंस वैसे के बॉक्स के अंदर इसकी बहुत अच्छी है। आप 100 से 150 वाट तक का लोड इसे दे सकते हो, बड़े आराम से किसी भी इसमें आप लगा सकते हो। और दोस्तों इसकी पैकिंग बहुत अच्छी थी, इसकी पैकिंग मुझे बहुत पसंद आई थी, बहुत अच्छी इसकी पैकिंग थी। तो ये पड़ा था हमें 450 रुपये का। ठीक है दोस्तों, अब हमें टावर के लिए हमने ये लिया था, ये बात नहीं बनी, तो अब हम इसके आपको ओम दिखा देते हैं। इसके भी हम आपको ओम दिखा देते हैं, क्योंकि इसके ऊपर कोई ओम वगैरह लिखे हुए नहीं है, ये कितने ओम का है। तो चलिए, ये दोस्तों 6 ओम का है, 5 ओम, ठीक है 4 ओम का होना चाहिए था, लेकिन ये 5 ओम का है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अगर जो आप दो
सीरीज करके चलाओगे तो दिक्कत आएगी, पैरेलल करोगे तो दिक्कत आएगी, इसलिए ये 4 ओम का होना चाहिए था या फिर 8 ओम का, तो 4 ओम का ये होना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, और ये देख लिया हमने, वैसे ही काफ़ी अच्छा है इसका पंच, बहुत अच्छा पंच है इसका। ठीक है, आप इसको यूज कर सकते हो, इसका बहुत अच्छा पंच है, और 100 से 150 वाट के एम्पलीफायर के साथ इसे चला सकते हो बड़े आराम से। अब दोस्तों बात करते हैं हम इसकी, ये दोस्तों आप देख रहे होंगे ये क्लासिक का है, और हमने इसको फ्लिपकार्ट से परचेज किया है। तो इसकी पैकिंग की बात करूँ मैं, तो इसकी पैकिंग कोई ख़ास अच्छी नहीं थी, बिल्कुल भी अच्छी पैकिंग नहीं थी। और मैग्नेट की बात करें तो ये 90-70 मैग्नेट में ही है। ठीक है दोस्तों, और बाकी इसकी क्वालिटी ठीक ठाक है। इसमें जो सबसे ज़्यादा बड़ी कमी लगी है मुझे, ये आप देख रहे हो यहाँ पे, इसमें स्क्रू लगाने के लिए ये दिए हुए हैं, लेकिन समस्या क्या है, ये कट तो यहाँ पे दिया है और होल इसके यहाँ पे आ रहे हैं। अब इसको इंसान रिक्स लेकर यहाँ से काटेगा, ये ज़रा से मैं उखड़ जाए, ये हो जाए, तो इसको रिक्स लेगा हमें काटना है, जिसमें कि हम काट भी रहे थे, हम इसको काट भी रहे हैं यहाँ से, तो ये बहुत गलत चीज़ करी है क्लासिक ने। ठीक है, और ये 2050 IC के साथ बहुत ही अच्छा मैच कर रहा है, बहुत ही अच्छा। अगर जो आपको किसी भी टावर या होम थिएटर में इस वूफर को बदलना है, रिप्लेस करना है उसका वूफर, सब वूफर, तो आप इसको बहुत आराम से कर सकते हैं 2050 IC के साथ, और 7297 में और 7294 के बोर्ड के साथ इसकी बहुत ही अच्छी मैचिंग है, बहुत ही इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। ठीक है, और लेकिन ये सबसे ज़्यादा कॉस्टली है। ठीक है, बहुत हल्का है, बहुत ही ज़्यादा हल्का है। और मैचिंग की बात करूँ तो ये हमने टावर में जोड़ा हुआ है, हमने इसकी टेस्टिंग करी थी, तो इन तीनों में से सब में से सबसे बेहतर है ये टावर होम थिएटर के लिए, ये सबसे बेहतर है। और दोस्तों इतना बेहतर है कि किसी भी टावर में आप 8 इंची सबवूफर के जगह इसको बदल सकते हो, प्योर सबवूफर है, बेस नहीं फटेगी, आवाज़ नहीं फटेगी, साउंड क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, बस थोड़ी सी ये फिनिशिंग वगैरह और इसकी पैकिंग अच्छी नहीं थी, और रेट के हिसाब से इसके रेट बहुत ज़्यादा हैं, सबसे हल्का है। चलिए इसको आपके ओम इसके चेक करा देते हैं, और दोस्तों इसमें लिखा है 4 ओम भी सपोर्ट करेगा, 8 ओम भी सपोर्ट करेगा, 4 ओम पे भी चलेगा, 8 ओम पे भी चलेगा, दोनों को बहुत अच्छे से सपोर्ट करेगा। और ये 50 वाट का है, ये 9 ओम दिखा रहा है, लेकिन ये पूरे 8 ओम का है, 9 ओम ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इसमें ये वायर जुड़े हैं बोर्ड से, तो शायद इसलिए 9 ओम दिखा रहा है, बाकी हमने इसको चेक किया था तो ये प्रॉपर 8 ओम का है। और 2050 IC के साथ इसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, तो आप देख लीजिएगा, कभी भी आप टावर होम थिएटर के लिए लोकल मार्केट से सस्ता ना ख़रीदें, मार्केट में ये सबसे ज़्यादा उपलब्ध है, 250 रुपये में आपको दे देते हैं ये, और इसका कोई वाटेज का पता नहीं है, देखने को इस पर 50 वाट लिखा था, बता भी रहा था वो, और हल्का हल्का हमें भी दिख रहा था, लेकिन ये सूट हुआ ही नहीं बिल्कुल भी, इसको हमने अलग अलग यूज किया है, तो ये बहुत अच्छा है 100 से 150 वाट तक के लिए, आपको वैसे कॉलम में लगाने के लिए, बॉक्स में लगाने के लिए,
टावर के लिए ये बेस्ट है भाई, इसमें ये सबसे बड़ी कमी है, इसको सुधार कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। राधे राधे। तो दोस्तों इसका प्राइस बताना भूल गए थे हम, इसका प्राइस है 670 रुपये का, ये हमें पड़ा है ऑनलाइन, सबसे हल्का है और 50 वाट का सबसे बेस्ट भी है, लेकिन कॉस्ट इसकी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है ना। तो ये हमें 670 रुपये का पड़ा है, जिसमें कि ये हमें 450 का पड़ा था, और बहुत हैवी है ये, लेकिन हम इसको टावर होम थिएटर में यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए जो IC ब्रिज मोड पे बेस के लिए चलती है उसमें हम इसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है दोस्तों। तो कैसी लगी वीडियो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।